तो ये है एक माइनक्राफ्ट का विलेज। लेकिन ऐसा क्या होता है कि विलेजर इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, यहाँ तक कि वो मेरे घर के भी दो हिस्से कर देते हैं, जिसकी वजह से गाइस मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। बट ये विलेजर ऐसा कर क्यों रहे हैं, जानने के लिए वीडियो को आगे तक देखते रहो और साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी मार देना। चलो भाई फिर से एक नई सुबह हो चुकी है, लेकिन एक सेकंड, मैं तो कल रात वहाँ सो रहा था, एकदम से यहाँ कैसे आ गया? गाइस ये गरीब सी जगह तो मैंने जेठे के लिए बनाई थी। और एक सेकंड, ये मेरे घर का बंटवारा किसने कर दिया भाई? लावा और ये रेड लाइन किसने खींची थी? बाहर भी देखो पूरी की पूरी रेड लाइन खींच दी वहाँ तक। अरे यार ये क्या सीन है? और मेरे यार उधर एमरल्ड्स रखे थे, जाके लेके आता हूँ यार, कोई चोरी कर लेगा तो। अरे तुम यहाँ अलाउड नहीं हो, ये आज से हमारा एरिया हो चुका है। यार ये विलेजर फिर से दिमाग खराब करने आ गए, क्या बोल रहे हो यार, मेरे को जान दो भाई उधर, मेरे इधर। अरे मार क्यों रहे हो यार, मेरे इधर एमरल्ड्स रखे, मेरे तो घर है। नहीं नहीं तुम बिल्कुल यहाँ नहीं आ सकते, ये जो तुम्हारा घर का हिस्सा है वो अब हमारे विलेज के अंदर आ चुका है, इसलिए ये हमारा हिस्सा है, अब तुम वही रहो उधर, समझे ना, यहाँ आने के सोचने में समझे। चलो भाई लोगो, राजू एक काम कर, तुम यही खड़े रहना और इस पर नजर रखना कि ये यहाँ पर नहीं आए, अपने बॉस ने मना किया है, समझा ना। चल ठीक है, ध्यान रखना, मैं निकलता हूँ। यार अब ये क्या नया नाटक चालू हो गया विलेजर्स का, कुछ भी करते रहते हैं यार, मुझे वहाँ पर भी जाने नहीं दे रहे, अगर वहाँ जाऊंगा तो ये मुझे पकड़ पकड़ के मारेगा। अब कैसे निकलूं ये घर से मैं बाहर, दूसरा डोर है, लगता है मुझे ये खिड़की तोड़ के निकलना पड़ेगा। चलो भाई आ गया बाहर, तो मैं पूरी, देखो यार ये क्या सीन है, देखो गाइस इन्होंने तो पूरा का पूरा गाँव ही कवर कर दिया है, बट ये सब इधर क्यों कर रहे हैं, और यहाँ पर ये सब क्या वॉच टावर, अरे तो तीर मार रहा है। अरे यार कैसे कैसे लोग इधर, यार मैं तो घुस जाऊंगा अंदर, मेरे को क्या मार के दिखा। अरे शूट, अरे अरे नहीं नहीं शूट, लावा गिरा दिया। देखो मना किया ना इधर अंदर आने के लिए, क्यों आ रहा है तेरे, एक बार में बात समझ नहीं आ रही। अरे भाई लेकिन मुझे ये तो बताओ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग, ये हमारे किंग का ऑर्डर है, समझे। सुनो गाँव वालों सुनो, आज हमारे गाँव में एक मीटी और गिरा है, ये तुम्हारे किंग का ऑर्डर है, जाओ फटाफट से पूरे के पूरे गाँव के आस पास बाउंड्री खींच दो, कोई भी प्लेयर हमारे विलेज में नहीं आना चाहिए, किसी भी प्लेयर को हमारे गांव में आज से एंट्री नहीं मिलेगी, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे गांव में इतना बड़ा मीटियोर गिरा है, क्योंकि इस मीटियोर के अंदर बड़ा ही एक कीमती ट्रेजर छुपा है, अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अच्छा तो इसका मतलब तुम्हारे किंग का ऑर्डर है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम अपने गाँव में वो छुपा के रहे हो, वो जो मीटियोर गिरा है तुम्हारे गाँव में असल में उसमें है क्या? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, और ये प्राइवेसी वाली बात है, हम नहीं बताएंगे, मारो इसको, भगा दो इसको यहाँ से। अरे यार क्यों मेरी बारह बजाने में लगे हुए ये, इन्होंने लगता है इनके बॉडी गार्ड से, यार इसे पंगा नहीं ले सकते, हम लोग जल्दी से भागना पड़ेगा। यार इन्होंने कितने सारे विलेजर बिठा रखे हैं, वो देखो कैसे मारे जा रहा है। अरे भागना पड़ेगा जल्दी से, यार मुझे ये देखने की इन्होंने कहा था कि बॉर्डर खींची है, यार बहुत दूर तक खींची है यार। और एक सेकंड गाइस, अपना जेठे किधर है? वो तो मुझे दिखता ही नहीं, वो तो यार मेरे साथ ही आया था। एक काम करता हूं जल्दी से कोई ऐसा एरिया देखता हूं जहां पर इनका ध्यान नहीं हो, चलो काम करते हैं यहां से जंप मार के चलते फटाफट से, भागो जल्दी से। यार ये तो मेरा पीछे नहीं छोड़ रहे, सब लोग मेरे पीछे पड़ रहे, छोड़ दो प्लीज यार, सर्वाइव करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, जल्दी से भागना पड़ेगा। वो देखो गाइस यहां पर ये क्या चालू है, एक मिनट ये तो जेठिया है, इसको यहाँ पर उल्टा ही टांग दिया, क्या करें इसके साथ। अरे मत मारो, अरे क्यों मार रहे हो, भागो जल्दी से, अरे छोड़ दो, क्यों क्यों मार रहे हो प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा यार, ये तो बहुत ज्यादा गाइस स्ट्रिक्ट हो गया यार बिल्कुल। अरे शिट मार दिया मुझे, चलो भाई फिर से मैं स्पॉन हो गया हूं। लेकिन यार ये लोग क्या करना चाह रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे भाई के साथ। अरे तो फिर से यहाँ पर आ गया, और जल्दी बता तू क्या करना चाह रहा है मेरे भाई के साथ। उसकी हम बलि चढ़ाएंगे, क्योंकि हमको हमारे गॉड को पैदा करना है, हीरो ब्राइन विलेजर। यार ये लोग क्या क्या नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, पहले तो पूरे गाँव के आसपास बॉर्डर खींच दी, फिर वो जो मीटियोर गिरा है उसके बारे में भी कुछ बता नहीं रहे, और अभी क्या है तुम्हारा नया नाटक हीरो ब्राइन विलेजर, तुम करना क्या चाहते हो भाई? नहीं बता सकते, ये हमारा सीक्रेट प्लान है, आता है बाय बाय, और आने की कोशिश मत करना, जा रहे हम लोग। फिर से भग गया गाइस ये तो, लेकिन मेरा भाई जेठिया यार उसको बचाना पड़ेगा, वरना आपको तो पता है ना गाइस बाबूजी मेरा तेल निकाल देंगे। लेकिन कैसे एंटर हूँ इनके गांव के अंदर, क्योंकि अगर मैं इनके गांव के पास जाऊंगा देखो हमने चावल थोड़ा जल्दी मुझे, इसलिए यहाँ से अपन नहीं जा सकते, कोई और आइडिया लगाना पड़ेगा। देखो गाइस मेरे दो टास्क है, पहले तो मेरे भाई जेठे को बचाना, और दूसरा ये एमरल्ड्स और डायमंड्स लेना जो ये विलेजर लोग ना लेके भग गए मेरे घर में से। तो एक काम करता हूँ, मुझे याद है ये चेस्ट के अंदर मैंने शॉवर रखी थी, यार यही खड़ा हूँ यही देख रहा है। देखो गाइस उसने मुंडी पलटा ली, चलो फटाफट से चुपचाप से निकाल लेते हैं, क्या बात है मेरी शॉवल। एक सेकंड ये शॉवल तूने क्यों निकाली? अरे कौन सी शॉवल, कुछ भी मैं आदमी देखो। एक सेकंड तो बना रहा है, मारेंगे देखो हम, जल्दी से वो शॉवल निकाल, जल्दी निकाल। अरे नहीं नहीं अरे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मेरे हाथ में। अरे भाग यहां से, जल्दी भागना पड़ेगा गाइस, यार ये तो मेरे पीछे पड़ गया। यार ये क्या बंदा, यार पीछे नहीं छोड़ा मेरा, काम करते हैं कोई से अपन जगह देखते हैं, वहां से खोदना चालू करते हैं, क्योंकि गाइस कभी अपन अंडरग्राउंड टनल बना लेंगे ना तो फिर वो टनल के थ्रू अपन वो गांव के अंदर घुस सकते हैं। तो ठीक है कहां से बनाऊं, एक काम करता हूं यहां से बनाता हूं। यार लोग मेरे पीछे पड़ गए ये लोग तो, यार क्या इनको तकलीफ है मेरे से। एक काम करता हूं ये घर ही नीचे से बनाता हूं, ठीक है ये जगह सही रहेगी। तो जल्दी से अपन खोदते हैं और एक मस्त वाली टनल बनाऊंगा यार, जिसके बारे में इनको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है इन्होंने नीचे तो बॉर्डर नहीं खींची होगी। अरे यार यहां से दिखने लग जाऊंगा, इसको पैक करना पड़ेगा। चलो भाई बढ़िया, अब जल्दी से खोदते हैं अपन और एक गहरी सी टनल बना लेते हैं, जल्दी खोद गहरी, जल्दी जल्दी। वो क्या बता, लाल आ गया। अरे नहीं शिट, लावा मेरे पीछे पड़ गया। अरे लावा कैसे गिर गया मेरे ऊपर? अरे इन्होंने यहाँ पर लावा भी तो रखा है, क्या मुसीबत है भाई, अब कैसे जाऊँ आगे में। एक काम करते लावा को ऊपर से ब्लॉक कर देते हैं, चलो परफेक्ट, यहाँ ऊपर तो लावा है तो यहाँ से तो जा
नहीं सकते, एक काम करता हूँ थोड़ा सा रैंक के जाता हूँ तो काम अपने गाइस हो जाएगा, तो लोग खोदना चालू करते हैं। क्या बात है यार, ये विलेजर्स में दिमाग नहीं यार, देखो मैं ऐसे करके आसानी से विलेज में घुस जाऊंगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं यार, क्या नल्ली विलेजर्स यार, इनको पता ही नहीं मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ। ये देखो गाइस, अरे शिट, हमको मालूम था कि तुम यहाँ पर जरूर आएगा। चल अब फटाफट से पतली गली से भाग जाए यहाँ से, जल्दी चल निकल निकल। अरे छोड़ दो प्लीज, हम यहाँ पर आना मत, निकल जाए यहाँ से चल। इनको कैसे मालूम पड़ा कि मैं यहाँ पर सुरंग बना के अंदर आ रहा हूँ? बड़े ही खतरनाक लोग गाइस, कोई सा और प्लान अपने को बनाना पड़ेगा। 24 घंटे ये लोग मेरे पे नजर रख रहे हैं, कहीं इन्होंने मेरे पे ट्रैकर तो नहीं लगा दिया। एक बार बॉडी पे चेक कर लेता हूँ। नहीं यार कोई भी ट्रैकर नहीं है। मुझे क्या लगता है गाइस, कभी मैं गहरा गड्ढा खोदूंगा ना तो हो सकता है मैं इनके गाँव में पहुंच जाऊँ। तो चलो एक काम करते, वो भी चल के अपन ट्राई कर लेते हैं। अबे मत मार भाई, क्यों मारे जा रहा है यार, पागल बना दिया इन लोगों ने मुझे। तो ठीक है अपन गड्ढा खोदना स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस ये देखो, मुझे यहाँ पर एक गुफा मिली है। ये जो गाइस गुफा है ना, वो सीधा देखो वहाँ जा रही है विलेज में। तो हो सकता है कि गुफा के थ्रू अपन विलेज के अंदर घुस जाए। तो ठीक है शायद अपने को यहाँ जाना चाहिए, बस यार कोई क्रीपर वगैरह नहीं मिल जाए इधर। ये देखो ये रही वो रेड लाइन, लो फटाफट से खोते हैं। और अब मैं आ चुका हूँ विलेज के अंदर, एंड यहाँ पर पैक है, इसका मतलब कि यहाँ से मुझे शायद ऊपर जाना है। तो ठीक है जल्दी से मैं यहाँ पर एक टनल बनाता हूँ खोद खोद के, ये ब्लॉक की मदद से अपन ऊपर चढ़ जाते हैं फटाफट से। लगता है मैं ऑलमोस्ट वो विलेज के अंदर पहुंच चुका हूँ। और एक सेकंड गाइस, मुझे विलेजर्स की बात करने की आवाज आ रही है। अरे तेरे को पता है कि वो मीटियोर के अंदर क्या है? नहीं नहीं मुझे नहीं पता यार, वो मीटियोर के अंदर बड़ा ही स्पेशल चीज है जिसके बारे में अपने किंग ने मना किया किसी को भी बताने के लिए, और किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, खासकर वो कैरी को। कभी इसको पता लग गया ना, सारे माइनक्राफ्ट के प्लेयर यहाँ आ जाएंगे और अपने विलेज पे कब्जा कर लेंगे, इसलिए उसको अपने को दूर रखना है। और हाँ, 2 दिन के अंदर वो जेठे की बलि भी देना अपने को, क्योंकि अपने को पैदा करना है हमारे विलेजर ब्राइन। यार ये क्या बोल रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 2 दिन है अपने भाई जेठे को बचाने के लिए, और मुझे वो मीटर के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि उसके अंदर ऐसा है क्या। तो ठीक है फटाफट से यहाँ से मैं ऊपर चलता हूँ खोद के। चल चल जल्दी से खोदता हूँ, जल्दी कर कैरी, जल्दी से ऊपर आ। ओह शिट, ये लोग तो यही खड़े हैं और इन्होंने मुझे देख लिया। जल्दी भागना पड़ेगा मुझे नीचे, जल्दी कैरी नीचे भाग, जल्दी खोद, भाग भाग भाग, मार डालेंगे ये लोग। लगता है शायद मैं सेफ हूँ, शायद वो मेरा पीछा नहीं करेंगे। एक सेकंड, कुछ तो आवाज आ रही ऊपर से। एक सेकंड ही कर रहे, ओह शिट, इन्होंने बम फेंक दिया, भागना पड़ेगा। नहीं यार ये लोग तो मेरी जान के पीछे पड़ गए। ओके मैं वापस से आ गया अपने घर में। अरे यार ये सब क्या कर रहे इन्होंने इधर, इतनी गंदगी फैला दी। अरे यार ये टट्टी क्यों फेंक रहे हैं इधर? ये ले वो टट्टी खा, तेरे मुंह पे फेंकेंगे हम लोग, अब तेको खाने में भी यही खाना पड़ेगा। अब आएगा तेको मजा, बड़ी तेको इच्छा हो रही ना हमारे गांव में घुसने की, ले खा ले गू खा ले तू। यार तुम ये नाइंसाफी कर रहे हो, ये बहुत गलत चीज है, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको संस्कार नहीं सिखाए क्या? नहीं सिखाए, ऐसे ही हम लोग, ये ले ओढ़ ले। लगता मुझे ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ यार, उस साइड जा भी नहीं सकता। वो देखो मैंने अपने लिए कितना अच्छा फर्नीचर पियानो सब कुछ लगाया था, और साला ये वहाँ पर जाके मजे कर रहा है। ये देखो बैठ गया साला उधर, और इसके पास ये चश्मा, सोने का चश्मा और पैसा कहाँ से आ गया? लगता है गाइस इनकी कोई तो लॉटरी खुल गई है। अरे नहीं यार छी यार, पूप क्यों मेरे हाथ में आ रहा है, फेंको इसको और यहाँ से निकलो, अब नहीं आना इधर वापस। अरे कहाँ जा रहा है, फंस गया मैं। चलो भाई निकलते फटाफट से, और ये पूप फेंको इसको, इनसे तो बदला मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन कैसे रूप मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने भाई को कैसे बचाऊं और अपना खजाना वापस कैसे लेके आऊं? ये देखो साला यहाँ पे देखो खड़े होकर, देखो ऐसे देख रहा है मुझे। ओए क्यों यहाँ पर आ नहीं पा रहा है ना? आना आ बेटा, देखो दिखाते फिर हम। देख रहे हो गाइस कैसे खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है, अभी इसको बताता हूँ, रुक अभी आता हूँ मैं तेरे पास। अरे क्या कर दिया इन्होंने यहाँ पर यार, इन्होंने यहाँ पर क्या लगा दिया? हमने हमारे पूरे गाँव को चारों तरफ से बैरियर ब्लॉक से कवर कर दिया है, अब कोई भी आंडू पांडू नहीं आ सकता हमारे गाँव में। जा निकल जाए यहाँ से, भग जा। अब तो यार इन्होंने बहुत ज्यादा ही टफ बना दिया, इनके गाँव में घुसना तो अब तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन गाइस अभी भी मेरे पास एक आइडिया है, इन्होंने ये बैरियर ब्लॉक कितनी ही हाइट पे लगाए होंगे यार, जरा से हाइट पे लगाए होंगे, तो कभी मैं टावर अप करूं और जहां पर इन्होंने बैरियर ब्लॉक नहीं लगाए वहां से सीधा कूद ही मार दूं नीचे, तो ऐसे तो मैं इनके गांव में एंट्री मार लूंगा। तो ठीक है फटाफट से ऐसे ही करते फिर। तो ठीक है फिर जल्दी से यहां पर टावर अप करके सीधा उधर कूद ही मारते हैं। देखो गाइस यहां पर इन्होंने एक भी बैरियर ब्लॉक नहीं लगाया है, यही सही मौका, यहां से सीधा नीचे कूद ही मारता हूं इनके गांव के अंदर। लेकिन एक सेकंड, ये हेलीकॉप्टर की आवाज कहां से आ रही है? अरे वो देखो पीछे हेलीकॉप्टर लेके आ गई विलेजर, तो अरे कहीं मुझे गिरा नहीं दे वो भाई। अरे ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब देख क्या करते हैं हम लोग। सेकंड क्या करे इसने, अरे गाइस मेरे को टीएनटी फेंक दिया इसने यार, फिर मार दिया मुझे यार। गाइस अब मैं हार मान चुका हूँ, मैं सारी की सारी तरकीबें आजमा चुका हूँ, लेकिन कोई भी प्लान मेरा काम नहीं आया, अब पता नहीं क्या होगा। एक सेकंड, ये मेरे घर के नीचे क्या हो रहा है? अरे ऐसा लग रहा है कोई खुदाई कर रहा है, जाके देखना पड़ेगा। मेरे पास पीके से फटाफट से देखता हूँ मैं, यार क्या हो रहा है ये मेरे घर के नीचे यार, धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती जा रही है। चलो फटाफट से खोज के देखता हूँ मैं, अरे कहाँ गया मैं इधर। एक सेकंड, ये कौन यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन चला रहा है, वो भी इतनी बड़ी? अरे भाई मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है, जाके अपना काम करना। बाप रे कितनी बड़ी ड्रिलिंग मशीन है। और एक सेकंड, इसमें से बाहर क्रीपर निकला। अरे यहाँ पड़ जाना भाई, मेरे पास पता। अरे यार क्या आदमी था वो, लगता है उससे वापस जाके मुझे मिलना पड़ेगा। पता नहीं यार कैसा क्रीपर था वो, लेकिन जाके उससे मिलना पड़ेगा, उसके पास ड्रिलिंग मशीन थी। गाइस वो ड्रिलिंग मशीन अपने काम आ सकती है वो विलेज के अंदर एंट्री करने के लिए। और ये देखो नमोनू को अभी मुझे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। एक काम करते हैं फिर से अपन उससे मिलके आते हैं। ठीक है मैं आ गया गाइस। एंड एक सेकंड देखो क्या खतरनाक स्पीड में ड्रिलिंग कर रहा है। लेकिन ये क्रीपर यहाँ पर ड्रिलिंग कर क्यों रहा है? लगता है शायद ये गन पाउडर की तलाश में। लेकिन यहाँ थोड़ी ना गन पाउडर मिलता है, क्या करना अपने को, अपने को तो बस इससे ये ड्रिलिंग मशीन चाहिए। लेकिन कैसे लूं यार आइडिया? एक काम करते हैं अपन क्रीपर बन के चलते हैं, बताऊं कैसे? ये देखो ऐसे बन चुका हूं मैं क्रीपर। चलो जाके अपन उससे मिलते हैं और उससे ड्रिलिंग मशीन की डील कम्प्लीट
कंप्लीट करते हैं। ओ भाई साहब एक सेकंड आना, तो क्या चाहिए तुम? यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी ड्रिलिंग मशीन चाहिए। अच्छा अच्छा, शक्ल से मेरे भाई लगते हो। ठीक है एक काम करो, ले जाओ, लेकिन रात होने से पहले मुझे दे दे, चलो मैं जाता हूँ। यार बड़ा ही अच्छा क्रीपर था, भगवान इसका भला करे। ओह माय गॉड क्या बात है, क्या धमाकेदार एंट्री तो नहीं बोलूंगा लेकिन जाने का तरीका इसका बड़ा ही धमाकेदार है। चलो कोई ना, बंदे काम करते फटाफट से ड्रिलिंग मशीन के अंदर बैठते हैं। ओह माय गॉड काफी हाईटेक है और चलने भी बहुत ही खतरनाक है, मैं इसकी मदद से वो गांव के अंदर एंट्री कर ही लूंगा। यार गाइस मैं खोदते बहुत ज्यादा आगे आ चुका हूं एंड मुझे लगता है मैं शायद विलेज के अंदर घुस चुका हूं ऑलमोस्ट। ठीक है देखता हूं और आगे यहां पर खोद के। एक सेकंड, यहां पर गाइस कुछ है। ओह शिट मैं तो यहां आ गया वो मीटियोर के पास, और ये आगे विलेज आ रहे, मारो इसको यार, ये अंदर घुस रहा है, भाग यहां से भाग। यार ये भाग नहीं रहा यार, कभी इसने मुझे देख लिया तो मुझे पकड़ पकड़ के मारेगा। यस फाइनली मर गया ये भी। अब एक काम करते अपन, चले से उतरते और देखते कि अभी अपन है किधर। अच्छा अपन जस्ट मीटियोर के नीचे ही आ गए, ये बढ़िया काम हो गया। लेकिन यार मेरी ड्रिल मशीन इसको तोड़ नहीं पा रही, तो इसके अपने को एंट्रेंस देखना पड़ेगी, इसके एंट्रेंस कहीं ना कहीं तो होगी। ठीक है चुपचाप से अपन चलते हैं इस साइड, कोई देख तो नहीं रहा है, नहीं किसी का भी ध्यान नहीं है, चुपचाप से चलते गाइस। क्या बात है फाइनली यहां तक तो पहुंचे हैं, कम से कम अपने को इसका तो राज मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर है क्या असल में। किसी की भी नजर नहीं है भाई अभी मेरे ऊपर। और देखो गाइस वहां पर कितना सारे इन्होंने एमराल्ड्स रख रखे हैं, उसके अंदर कुछ हिस्सा मेरा भी है, तो चलो उसको तो अपन बाद में लूटेंगे। यार लेकिन इसके एंट्रेंस किधर है? अरे एक सेकंड ये क्या है, शायद यही इसके एंट्रेंस है। तो ठीक है फिर देखते इसको खोल के। चलो अब चलते हैं नीचे जाके देखते हैं, देखता हूं नीचे क्या है। एक सेकंड ये क्या चालू है इधर, लिटरली गाइस ऐसा लग रहा है कि आसमान से नीचे जन्नत उतर के आ गई है। ये क्या चालू है, इतना सोना एमराल्ड डायमंड और जलपरी भी, ये तो मैंने कभी देखी नहीं जलपरी। और एक सेकंड ये तो इस विलेज का किंग है, लेकिन ये यहाँ पर जलपरी के साथ अकेले क्या कर रहा है? यार मुझे लगता है शायद यही चीज सबसे छुपा रहा था यहाँ पर। यार लेकिन छुपाना भी तो बनता है, क्या मस्त जगह है, यहाँ तो मैं जिंदगी भर रह सकता हूँ। एक सेकंड मरमेंट हम लोग को देख लिया, इसको बुलाएगा गाइस अपन अपने पास। आजा 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 इधर, अरे भाग गई। कहाँ गई मेरी जलपरी? नहीं किसने डरा के भगाया उसको? एक सेकंड तू कौन है इधर? यार देखो मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए, क्यों आया? ये मेरी प्राइवेट स्पेस है। तो तू गया साले, ये ले। अरे मत मार, अरे मत मारो, अरे यार मार दिया शिट। वापस से मैं आ गया अपने घर में। और एक सेकंड यार तो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है, ये ले। नहीं मत करो यार, मेरा घर उड़ाने में लग गई। तो शिट गया भाई, घर गया मेरा। दूर भाग लो जल्दी से। यार मत करो यार, क्या यार ऐसा घर बचा था वो भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। यार तुम्हें क्या खुशी मिलती है? अब तो गया बेटा, तेरे पिछवाड़े में हम बम लगाएंगे, ये ले। अरे नहीं मत भागो यार, ये पागल हो गए यार, ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं। क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई, क्यों पड़े हो? तुमने चार बार हमारे विलेज में घुसने की कोशिश करी है और हमारे किंग का राज ही पता लगा दिया, अब तो बेटा तुझे मरना पड़ेगा। यार तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? बताते क्या करने वाले, पहले तू इधर आ। अरे फिर पकड़ लिया मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? देख ले तेरे भाई को आखिरी बार, क्योंकि अब हम तेरे पिछवाड़े में रॉकेट लगाने वाले। अरे क्या बोल रहे हो यार, मेरे पिछवाड़े में रॉकेट क्यों लगाओगे, मुझे कहाँ भेजना चाहते हो? हम देखो भेजेंगे चांद पर। अरे शिट, इन्होंने तो लिटरली मेरे पिछवाड़े पर रॉकेट लगा दिया, अब मेरा क्या होगा पता नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा भाई, कहाँ फिकाऊंगा मैं, लगता है मेरा खात्मा हो जाएगा। गया भाई मैं तो गया। अरे कहाँ चले गया मैं गाइस? ओ भाई फाइनली ये मैं किधर आ गया यार, ये तो बायोम भी चेंज हो गया यार। यार बहुत ही अलग बायोम दिख रहा है, और ये कैसा फ्रूट है, लगता है मुझे अब इसको ही खा के जीना पड़ेगा। और यहाँ पर हो सकता है कि अपने को ढेर सारे जंगली जानवर भी मिले। यार मेरा तो खात्मा हो चुका है लिटरली, अब क्या करूं मैं? एक सेकंड ये प्लेन, यहाँ पर प्लेन कैसे आ गया? ओ भाई यार वो सुन पाएगा मुझे? यार ये तो यही मंडरा रहा है, लगता है यहाँ पर कहीं पे लैंड करने वाला है प्लेन। अच्छा इसने वहाँ पर लैंड करा, चलो फटाफट से भागते फिर उधर। ये देखो भाई बंदे ने यहाँ पर प्लेन लैंड किया है एंड मुझे लकड़ी तोड़ने की आवाज आ रही है, इसका मतलब वो बंदा यहाँ पर लकड़ियां तोड़ने आया है। यही सही मौका है, उसको अपन लकड़ियां तोड़ने देते हैं और फटाफट से इसका प्लेन लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। यार ये कौन है, नंगा पुंगा? यार इसको तो मैंने कहीं देखा पहले भी। क्या करना अपने को, अपन फटाफट से इसका प्लेन लेके यहाँ से भागते हैं, जल्दी से इसको टेक ऑफ करते हैं। अरे आ गया ये, अरे भाग कर रहा है, अरे मेरा प्लेन, अरे साले कौन है तू? चलो फाइनली गाइस क्या किस्मत है अपनी यार, जब ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान वाली बात हो गई है। तो अरे कहाँ अटक रहा हूँ मैं, यहाँ नहीं अटकना है मुझे, जल्दी यहाँ से टेक ऑफ होकर अपन सीधा चलते हैं अपने वाले गांव में। ओके तो गाइस फाइनली मैं वापस से वो गांव में आ चुका हूँ अपना बदला लेने के लिए, अब इनकी 12 बजाता हूँ मैं। एक सेकंड, अरे रॉकेट लॉन्च चले तो नहीं यार, भागना पड़ेगा, क्या पागल हो चुके हैं विलेजर्स, इनके पास ये सब मिसाइल वगैरह कहाँ से आ रही है, कौन है असल में ये? अरे ये तो किंग है यार, ये विलेजर तो मान ही नहीं रहा है, लगता अपना खात्मा करके रहेगा ये। कितनी मिसाइल छोड़ा बाप रे, एक साथ 3 सारी। अरे नहीं यार जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा, मैंने तो अपनी 12 बजा देंगे, जो हाथ सर पे फोड़ दे गए तो अपने भागना पड़ेगा जल्दी से। यार शिट मेरा एक और प्लान फ्लॉप हो गया, अब मैं क्या करूं? एक सेकंड वहां से कौन आ रहा है? यार ये तो विलेजर है, लेकिन यहाँ पर ये क्या करने आ रहा है? अच्छा ये यहाँ पर मछली पकड़ने आ रहा है, क्या बात है यार, गाइस अपन इसका फायदा उठा सकते हैं। बताऊं कैसे? ये देखो मैं जाऊंगा पीछे से और धीरे से इसके कपड़े उतार दूंगा। ये देखो गाइस इसके कपड़े उतर गए, और ये देखो कैसा हो गया ये नंगा। अरे यार मेरे कपड़े उतार दिए, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो चुका है, अब मैं किसको मुंह दिखाऊंगा, मैं बाहर ही नहीं जा सकता। अरे नहीं मुझे मेरे कपड़े वापस कर। एक सेकंड ये विलेजर अंदर ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये तो बहुत ही गलत चीज पहना हुआ है। यार छोड़ो अपन एक काम करते, फटाफट से कपड़े पहन के ना विलेजर का गेटअप ले लेते हैं, चलो 1 2 3। एक सेकंड यार उसके कपड़े पहनने के बाद ये मैं क्या बन गया पता नहीं यार, जो भी बहुत अजीब लग रहा हूँ अब। यार मुझे लगता है मुझे एंट्री आसानी से मिल जाएगी, तो एक काम करते फटाफट से पहले तो मैं यहाँ से डुक्कर उठाता हूँ। और ये मैं क्यों उठा रहा हूँ आपको
पता लगेगा अभी एक मिनट के अंदर अंदर। हेलो भाई साहब, गुड मॉर्निंग। एक सेकंड, ये तो डुक्कर कहाँ लेके जा रहा है? अरे भाई साहब, किंग का ऑर्डर है, मुझे उनको डुक्कर पहुँचाना है। अच्छा अच्छा, लेकिन एक सेकंड, ये कौन सा स्टाइल है कपड़ों का? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ यार। मैंने अभी भी सिलवाए माइनक्राफ्ट के सबसे बड़े डिजाइनर से, मल्होत्रा जी से। अच्छा अच्छा अच्छा, मनीष मल्होत्रा। हाँ, मनीष मल्होत्रा। तो ठीक है, मैं चलूँ फिर, वरना अगर किंग को लेट हो गया ना तो आपकी बारह बज सकती है। अरे नहीं नहीं, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। चलो गाइस, एक काम करता हूं, फटाफट से डुक्कर उठा लेता हूं यहां से, मैं वो जल्दी से भागता हूं। और ये देखो गाइस, ये रहा अपना भाई जेठिया, यहां पर लटका हुआ है, लेकिन इसको अपन बाद में सेव करेंगे। पहले मुझे अपना खजाना लेना है इनसे। यार मुझे अपना पहले खजाना ढूंढना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहां घर में चेक करते हैं। ये देखो गाइस, यहां पर एक सिक्योरिटी चेस्ट रखा हुआ है। यार शिट, इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, लेकिन मुझे मालूम है ग्लेडर्स का हमेशा एक ही पासवर्ड रहता है, और वो है 1111। बस ये देखो, भूल गया। ओ माय गॉड, कितना सारा यहां पर रखा हुआ भाई सामान। फटाफट से ही पूरा का पूरा सामान मैं लूट लेता हूं। चलो, इन्होंने जितने भी हमें लूटा था ना, वो पूरा का पूरा सामान अपन ने ले लिया है। चोर चोर चोर, अरे गाँव वासी हो, चोर आ गया। अरे रुक रुक भाई, चोर नहीं हूँ मैं, रुक रुक। यार ये एम्बुलेट्स ना किंग ने मंगवाए, उनको चाहिए। अच्छा अच्छा, किंग ने मंगवाए। ओके ओके, यू कैन गो नाउ। यार क्या बेवकूफ लेजर है गाइस, इनको दो मिनट के अंदर बेवकूफ बना सकते। ठीक है, फटाफट अपन यहाँ से निकलते। अरे नहीं, लेकिन एक सेकंड, मैंने जेठे को तो रेस्क्यू करा ही नहीं, वो बेचारा वहाँ पर लटका हुआ, इसलिए फटाफट से उसको रेस्क्यू मारते अपन। कैसे इसको उतारूं? एक काम करता हूं, इसकी यहाँ से जंजीर तोड़ देता हूं। चल जेठे, फटाफट से देखो, मैं यहाँ से रेस्क्यू कर लेता हूं। आजा। ओए मर गया गाइस वो तो। एक सेकंड, बिजली कट गई। कौन आ गया? ये कौन है? ये कौन है भटका, और ये हवा में क्यों उड़ रहा है? ये तो विलेजर ब्राइन है। हैं, क्या बोल रहे हैं ये लोग? विलेजर ब्राइन, वो भी ऐसा? अरे गाइस, ये क्या, ये तो पागल हो चुका है। अरे भागो जल्दी से। यार जेठे की बलि देने के बाद ये क्या पैदा हो गया? यार मुझे क्या, मैं तो फटाफट से भागता हूँ, वरना मेरा खात्मा हो जाएगा। चलो गाइस, फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।